से जब मैंने सवाल पूछा कि किसने सबसे ज़्यादा ठुकराया तो उन्होंने आपका नाम दिया है। हाँ, असल में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी जाने से पहले, पर मैं किसी जानवर से नहीं डरी हुई थी, हाइट से, पानी से, बहुत सारे फोबियाज नहीं लेकर गई थी, बल्कि मुझे लग रहा था कि मैं अनफिट हूँ शो के लिए। और हम जिस तरह के फिटनेस के आजकल देखते हैं ना सोशल मीडिया पे गोल्स, इनफैक्ट दैट्स अ गुड मैसेज फॉर एवरी वन। हाँ, हम लोग सोशल मीडिया में हम जज करते हैं कि यार फिटनेस का लेवल तो ये होना चाहिए जो कि इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं, फिर हम अपने आप को उससे मेजर करते हैं कि शायद वी आर नॉट अप टू द मार्क। एंड आपने कभी सोचा नहीं होगा कि किसी एक्टर के साथ भी ऐसा हो रहा हो सकता है, तो मेरे साथ ये था। विवेक ने जब ये सुना कि मुझे ऑफ़र मिला है, उन्हें मालूम था कि मुझे काफ़ी शौक है इन चीज़ों का और वो मुझे खुश देखते हैं जब भी मैं कोई भी एडवेंचर रिलेटेड एक्टिविटी करती हूँ, तो ही रियली मोटिवेटेड मी। और वो जो मेरे अंदर का डर था कहीं ना कहीं उन्होंने निकलवाया, थोड़ा सा मुझे फिटनेस की तरफ उन्होंने पुश किया और समझाया कि कैसे करूँ अपने आप को प्रिपेयर। एंड डर करने तक था, पर जैसे जैसे मैं एक एक स्टंट करती गई, लोगों को क्या, मैंने अपने आप को चौंकाया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने कर लिया, हो गया, वाज गुड। यानी डर आप मान गया यहां पर, सॉरी। तो अब आप मानती हैं कि आपकी एंट्री हो चुकी है और आप लोग खिलाड़ी हैं, तो शो की टीआरपी हाई होने वाली है? वेल, मेरी एंट्री हो चुकी है खतरों के खिलाड़ी में, तो मुझे लगता है कि यार शो की टीआरपी वैसे इतनी हाई है, मुझे लगता है कि मुझे लोग एक अलग रूप में देखने वाले हैं। मैंने अपने आप को इस रूप में देखा था बचपन में कभी, उसके बाद वो दिव्यांका खो गई थी, अब वो जो खोई हुई दिव्यांका है आपको वो मिलेगी। आपको लगता है ये शो जो है इमेज चेंज करेगा? और जैसा कि आपने कहा कि इस तरह के शो को करने के लिए जरूरी नहीं आप फिटनेस बोल रखें, यहाँ पे डर है। जी बिल्कुल, इस शो को करने के लिए एक कोई पर्टिकुलर फिटनेस लेवल नहीं होता है, डर जो होता है वो हमारे दिमाग से शुरू होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी कि डर जो है ना वो हमारे आसपास के माहौल से हमारे दिमाग में आता है। कई बार हमें हमारे मम्मी पापा हमसे कहते हैं, नहीं नहीं बेटा वो कीड़ा मत छूना, नहीं नहीं पानी के पास मत जाना, नहीं नहीं हाइट में उस किनारे पर मत जाना। तो वो जो नई 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 बच्चों 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 के चक्कर में ना बच्चों के दिल में दिमाग में वो डर बैठ जाता है, और वही डर है जो हम जिंदगी भर ताउम्र हम कैरी करते हैं। हाँ, सर्वाइवर वो है जो बचकर चले, लेकिन विनर वो है, विजेता वो है जो उस डर के भी आगे बढ़े, उस डर को बहुत बड़ा ना बनने दे। और इस बात का एहसास मुझे खतरों के खिलाड़ी फियर फैक्टर में हुआ। अब नहीं, पहले तो जब भी मुझे कॉकरोच दिखता था, कॉकरोच तो वो आते थे, कॉकरोच हटा के हटाते थे, इवन चूहे हुए भी ऐसे होते थे तो मैं दूर भाग लेती थी। बट अब मैं ज़्यादा दिलेर हो चुकी हूँ शो के बाद में, ये बात अलग है। मैं आप सबको बता दूँ, कॉकरोचेस खतरनाक नहीं है पर बहुत एलर्जी देते हैं। लवली मीटिंग यू ऑल, थैंक यू।